सो गाइस वेलकम बैक आप सभी का एक और नए वीडियो में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं ऐश के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमोन के बारे में। सो गाइस पूरा वीडियो देखना क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर दो। सो गाइस ये रहे पिछले पोकेक्विज के विनर्स। सो गाइस इस वीडियो में भी मैं पोकेक्विज पूछूंगा तो पूरा वीडियो देखना एंड उसका आंसर देना। सो इतना बोल दिया है तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस बात करते हैं नंबर 10 के बारे में। नंबर 10 पोजीशन में जो पोकेमोन आता है वो है ऐश का पाल्पिटोड। पाल्पिटोड एक वाटर एंड ग्राउंड टाइप पोकेमोन है एंड ऐश ने इसे कैच किया था जेन 5 यानी यूनोवा रीजन। दोस्तों क्योंकि पाल्पिटोड एक वाटर एंड ग्राउंड टाइप पोकेमोन है इसलिए इसका टाइप तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, क्योंकि एक वाटर टाइप पोकेमोन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन के सामने। एंड पाल्पिटोड को इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन के एक भी अटैक से कुछ भी असर नहीं होगा क्योंकि वो वाटर के साथ साथ एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन भी है। एंड मुझे तो लग रहा था कि ये पोकेमोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट ऐश ने उसे बहुत कम यूज़ किया था, क्योंकि दोस्तों ऐश यूनोवा रीजन में गो बन गया था एंड यूनोवा रीजन में उसने बहुत सारे पोकेमोन को पकड़ा। इसी वजह से ऐश को उन पोकेमोन को ट्रेनिंग करना है एंड उसे यूज़ करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए ऐश के यूनोवा के पोकेमोन्स वीक रह गए। एंड दोस्तों साथ ही साथ ऐश के पाल्पिटोड के मूव्स भी काफ़ी अच्छे हैं, उसे हाइड्रो पंप अटैक भी आता है बट क्या फ़ायदा। नंबर 9 ओशावॉट। दोस्तों ओशावॉट एक वाटर टाइप पोकेमोन है एंड ऐश ने इसे पकड़ा था जेन 5 यानी यूनोवा रीजन में। दोस्तों मैं खुद इस पोकेमोन को नंबर 1 में रखना चाहता था क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि ये पोकेमोन कितना अच्छा पोकेमोन है एंड फनी पोकेमोन है एंड इसने यूनोवा रीजन में हमें बहुत ज़्यादा हंसाया भी था। बट ये पोकेमोन बैटल्स में उतना अच्छा नहीं है, जैसे ये कोई ताकतवर पोकेमोन को देखता है ये बैटल से पीछे मुड़ जाता है। बट इसने साइलेंट के पैनसेज को हराया था उसके जिम में, स्ट्राइटन सिटी जिम में। भले ही ऐश का ओशावॉट बैटल्स में उतना अच्छा नहीं है बट ये एक क्यूट एंड फनी पोकेमोन है, इसीलिए पोकेमोन फैंस को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट 8 पोजीशन में जो पोकेमोन आता है वो है ऐश का टोटोडाइल। टोटोडाइल जोटो रीजन का पोकेमोन है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है। उसका डांस तो काफ़ी ज़्यादा ओपी है, मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस करता है, मुझे तो डांस करना नहीं आता। एंड दोस्तों ये पोकेमोन के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है क्योंकि ऐश के बाकी दो जोटो स्टार्टर्स बेलीफ एंड क्विलावा अपने सेकेंड स्टेज में इवोल्व हो चुके हैं बट ये पोकेमोन अभी तक इवोल्व नहीं हो पाया। अगर ये फेरालिगेटर में इवोल्व हो गया होता तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन जाता, क्योंकि फेरालिगेटर कितना बड़ा एंड ख़तरनाक पोकेमोन है ये तो आप जानते भी हैं। एंड इस पोकेमोन ने काफ़ी अच्छे बैट्स भी किए थे बट फिर भी ये इवोल्व नहीं हुआ। एंड ये पोकेमोन इस पोकेमोन का मूव्स भी इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए ये नंबर 8 में आता है। एंड सो अब बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 में जो पोकेमोन आता है एंड किंगलर का छोटा भाई एंड वो है कॉरफिश। कॉरफिश एक वाटर टाइप पोकेमोन है एंड इसे इंट्रोड्यूस किया था जेन 3 यानी होएन रीजन में। दोस्तों ऐश ने कॉरफिश को पकड़ा था होएन रीजन में एंड ऐश का कॉरफिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। जब से ऐश ने उसे पकड़ा था तब भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था एंड उसने होएन रीजन में काफ़ी अच्छे बैटल्स भी किए थे। ऐश के जिम बैटल्स में भी मदद किया था एंड बाकी बैटल्स में भी इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, बट ऐश का कॉरफिश कभी भी इवोल्व नहीं हुआ एंड उसी कारण से ये थोड़ा वीक हो गया। अगर ये ऐश का कॉरफिश ना क्रोडोन में इवोल्व हो गया होता तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता, क्योंकि क्रोडोन एक वाटर डार्क टाइप पोकेमोन है एंड वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। बट अगर ये इवोल्व हो गया होता तो बहुत ज़्यादा ओपी पोकेमोन बन जाता, बट ये इवोल्व नहीं हुआ इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट पोकेमोन के बारे में बात करते हैं। नंबर 6 ऐश का लैप्रस। लैप्रस एक वाटर एंड आइस टाइप पोकेमोन है एंड ये जेन 1 यानी कांडो रीजन से बिलोंग करता है। ऐश का लैप्रस ऐश का कांडो रीजन का पोकेमोन था एंड ऐश ने इसे पकड़ा था ऑरेंज आइलैंड्स के जर्नीज के दौरान। जब ऐश ने लैप्रस को पकड़ा था तब वो एक छोटा लैप्रस था बट फिर भी बैटल्स में तो ये काफ़ी अच्छा से ऐश का साथ दिया था एंड ऐश के जिम बैटल्स में मदद किया था एंड साथ ही साथ ऑरेंज आइलैंड्स के फाइनल बैटल यानी ऐश वर्सेस ड्रेक के बैटल में ड्रेक के गेंगार के साथ ट्राई किया था। एंड ड्रेक का गेंगार तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था एंड ट्राई करके इसने ऐश के काफ़ी ज़्यादा मदद किया था, इसीलिए ये पोकेमोन ये पोजीशन डिजर्व करता है। एंड ऐश ने ऑरेंज आइलैंड्स के आखिर में उसे रिलीज़ कर दिया था बट बाद में वो वापस भी आया था एंड वो बड़ा बन गया था। नंबर 5 किंगलर। दोस्तों किंगलर एक वाटर टाइप पोकेमोन है एंड जेन 1 यानी कांडो रीजन से बिलोंग करता है। किंगलर ऐश का कांडो रीजन का पोकेमोन था
एंड एश ने इसे पकड़ा था एक क्रैबी के फॉर्म में, एंड इस पोकेमोन ने तो मेरा होश ही उड़ा दिया था इंडिगो लीग में, क्योंकि इसका पहला बैटल में ही उसने तीन पोकेमोन को एक साथ हरा दिया था, जो है एक्सीक्यूटर, गोल्ड बैट एंड आखिर में एक सीड्रा। एंड उसके फर्स्ट बैटल में ये प्रदर्शन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, फर्स्ट बैटल में ही उसने तीन पोकेमोन को हरा दिया, एंड एक्सीक्यूटर को हराने के बाद वो किंगलर में इवोल्व भी हो गया, एंड उसके मूव्स भी तो काफ़ी अच्छे हैं, उसे हाइपर भी अटैक भी आता है, एंड ऐश का किंगलर तो काफ़ी ज़्यादा ओपी पोकेमोन है, बट ऐश ने उसे जोटो रीजन के बाद कभी नहीं यूज़ किया, इसी कारण हमें उसके और भी ताकत देखने को नहीं मिली, बट फिर भी ये पोकेमोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो नंबर 5 में आता है। नंबर 4 पोजीशन में जो पोकेमोन आता है वो है ऐश का बुई सेल। ऐश का सिनो रीजन का पोकेमोन था, एंड ये एक वाटर पोकेमोन है, एंड ऐश को ये मिला था डॉन के साथ ट्रेड करने से। ऐश ने उसके एपोम को बुई सेल के साथ ट्रेड कर दिया था, एंड ये ऐश का दूसरा ट्रेड पोकेमोन है, पहला तो रैटिकेट था। एंड दोस्तों, ऐश का बुई सेल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है, स्ट्रॉन्ग है एंड कूल भी है, एंड उसने सिनो रीजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी किया था, उसने बहुत से अच्छे मैचेस भी लड़े थे, बट अगर ये पोकेमोन फ्रॉड सेल में इवोल्व हो गया होता तो ये इससे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता, एंड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन जाता अगर ये फ्रॉड सेल में इवोल्व हो गया होता तो, बट ये इवोल्व नहीं हुआ। एंड साथ ही साथ ऐश के बुई सेल को काफ़ी अच्छे मूव्स भी आते हैं, एंड ऐश ने और बुई सेल ने मिलकर एक कॉम्बिनेशन मूव भी क्रिएट किया था, जो है आइस एक्वा जेट। दोस्तों, वो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड उसके मूव तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये एक एक्वाजेट एंड आइस पीक का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका नाम आइस एक्वाजेट है। सो ये पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा ऑसम एंड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये आता है नंबर 4 पोजीशन में। तो अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पोजीशन में जो पोकेमोन आता है वो है ये अजीब सा प्राणी। दोस्तों, भले ही ये दिखने में कितना भी अजीब हो, बट ये पोकेमोन तो बैटल्स में कमाल कर देता है, धोती पाट के रुमाल कर देता है, क्योंकि ये पोकेमोन का ताकत बेमिसाल है। ऐश ने ड्रेकोविश को कैच किया था गलार रीजन में, एंड ये एक वाटर एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, एंड दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि ये पोकेमोन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दोस्तों, ऐश के ड्रेकोविश ने आयरिस के ड्रैगनाइट को हरा दिया था, एंड साथ ही साथ इलेट फोर मेंबर द्रसना के पोकेमोन्स को भी हरा दिया था, एंड उसके मूव्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए भले ही ये दिखने में कितनी भी अजीब हो, बट ये पोकेमोन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए ड्रेकोविश आता है नंबर 3 में। सो अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 पोजीशन में एक ऐसा पोकेमोन आता है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, एंड ऐश का पहला वाटर टाइप पोकेमोन है, सही कहा, वो है स्क्वायडल। दोस्तों, स्क्वायडल ऐश का कांडो रीजन का पोकेमोन है, एंड ये ऐश का पहला वाटर टाइप पोकेमोन है, एंड ऐश के स्क्वायडल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आपको तो पता ही होगा, एंड ऐश के स्क्वायडल दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है उसके ब्लैक ग्लासेस के साथ। एंड ऐश का स्क्वाडन का पहला एक ट्रेनर हुआ करता था, बट एनीमे में ये रिवील नहीं किया ट्रेनर कौन है। एंड ऐश का स्क्वाडन स्क्वाडन स्क्वाड नाम का एक टीम का लीडर भी है। एंड ऐश के स्क्वाडन ने जब जोटो रीजन में वापस आया था तब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, एंड उसने ऐश वर्सेस मेसी के बैटल में मेसी के इलेक्ट्रिक पोकेमोन इलेक्टाबस को हरा दिया था। वो एक वाटर पोकेमोन के लिए इम्पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन को हरा दे, एंड ये हम भूल नहीं सकते कि ऐश का स्क्वाटल फर्स्ट स्टेज में है, फिर भी एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन इलेक्टाबस को हरा दिया, एंड आपको तो पता ही होगा कि इलेक्टाबस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। एंड साथ ही साथ ऐश के स्क्वाडल ने फ्रोंडियर ब्रेन ब्रैंडन का निंजास को भी हरा दिया था। एक फ्रोंडियर ब्रेन का पोकेमोन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐश के स्क्वाडल ने इतने सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को हराया है, एंड ऊपर से उसके पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये पोकेमोन तो नंबर 2 डिजर्व करता ही है। बट दोस्तों, अगर ये ऐश का स्क्वाडल ना ब्लास्टोइस में इवोल्व हो गया होता तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमोन बन जाता ऐश का, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये पोकेमोन फर्स्ट स्टेज में ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इवोल्व होके तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो गाइस, नंबर 1 के बारे में बात करने से पहले ये लो आज का पोकी क्विज, एंड बताओ कि ये कौन सा पोकेमोन है, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ। करेक्ट आंसर देने वाले को मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 में ऐसा एक पोकेमोन आता है जो फैन फेवरेट है, एंड ऐश का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, सही समझा, हम सबका फेवरेट ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा एक डार्क एंड वाटर टाइप पोकेमोन है, एंड ऐश ने इसे पकड़ा था कैलोस रीजन में एक फ्रॉकी के फॉर्म में। एंड दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ऐश का ग्रीनिंजा कितना यूनिक पोकेमोन है, क्योंकि वो बॉन्ड इवोल्व हो सकता है,
हाँ, पहले ही जर्नीस में उसका बॉन्ड इवोल्यूशन का फॉर्म हटा दिया गया, बट पहले तो वो एशग्रीन निंजा था ना, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। अगर ये एश ग्रीन निंजा है तो मैं एक और पोकेमोन को दिखाता हूँ। इस पोकेमोन को देखो, ये है श्री ग्रीन निंजा। दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है ना। ये मेरा ग्रीन निंजा है जो बॉन्ड इवॉल्व हो गया है। एंड गाइस, आपको तो पता ही होगा कि कैलोस रीजन के फाइनल्स में ये पोकेमोन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। इसने स्वायर के मेगा स्केप्टेल को हरा दिया था, भले ही उसके पास डिसएडवांटेज हो, एंड एलान के चारिसोट के साथ भी लड़ा था। एंड दोस्तों, हमें तो पता ही है कि एलान का चारिसोट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ऐश के ग्रीन निंजा ने उससे लड़ा था, यही काफ़ी बड़ी बात है। भले ही वो हार गया, बट उससे कुछ नहीं होता। ग्रीन निंजा ही ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमोन है, उसमें कोई शक नहीं है। और कोई पोकेमोन नहीं आ सकता इस प्लेस में। सो गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को पसंद आ गया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दो, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। सो गाइस, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय दोस्तों।